Friends, welcome you all. Wish you all a very happy Diwali. May this festival bring a lot of happiness in your life, guys. Friends, आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लॉजेस के पार्ट्स के बारे में समझाऊंगी। देखिए, इससे पहले मैं अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वो वीडियो था मेरा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको नाउन क्लॉज के टाइप्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगी इस वीडियो में। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनी रहेगा वीडियो में, जिससे कि आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, आप आपको समझा देते हैं इस चीज़ में। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो क्लॉज होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जब वो एक नाउन के तरीके से फंक्शन करता है दैट इज़ कॉल्ड नाउन, एडजेक्टिव के तरीके से तो वो एडजेक्टिव बन गया, और एडवर्ब के तरीके से जो वेरियस टाइप्स होते हैं वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप नंबर वन की, जिसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउन क्लॉज के बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 to 6 पार्ट्स होते हैं, जिसको कि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहला है आपका इसके जो फंक्शंस है उसके बारे में बता रही हूँ आपको, जैसे कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और तीसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, चौथा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, और फ्रेंड्स चौथे इसके बाद पांचवें नंबर पे आता है हमारा डब्ल्यू एच क्लॉज। डब्ल्यू एच का मतलब होता है हमारे कि ये जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई इस तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके हिसाब से हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड द लास्ट वन इज नोन एज इफ़ या वेदर क्लॉज। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वन बाई वन आपको सारे क्लॉज को एक शॉर्ट वीडियो के अंदर समझा दूंगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं नाउन क्लॉज के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो है नाउन क्लॉज इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब किस तरीके से फंक्शन करता है, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि दैट ही विल बी अपॉइंटेड टू द जॉब इज नॉट येट डिसाइडेड। तो यहाँ पर दैट ही विल बी अपॉइंटेड टू द जॉब, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये जो कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट से लेके जॉब तक का, इट इज़ कंसिडर टू बी द सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इस पर्टिकुलर वर्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वर्ब रेफर्स टू इज। ठीक है, हमने क्या बोला, ये यहाँ पर जो नाउन क्लॉज का फंक्शन जो दिखाया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, तो ये इस पर्टिकुलर वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप इसको वर्ब कंसिडर कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये पूरा जो मतलब एक पूरा स्टेटमेंट है वो इसका सब्जेक्ट है फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसके सेकंड वाले टाइप के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे क्या लिखा है, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे यहाँ पर उसने नाउन क्लॉज ने सब्जेक्ट के तरीके से काम किया, उसी तरीके से यहाँ पे नाउन क्लॉज जो सेकंड वाले में है वो एक ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, द डूअर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, रिसीविंग एनर्जी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सेंटेंस को पढ़िए और आपको समझाती हूँ मैं क्या लिखा है। वी न्यू दैट द प्लान वॉज इम्प्रैक्टिकल। हम जानते थे कि जो प्लान है वो पूरी तरीके से कैसा था, इम्प्रैक्टिकल था, लॉजिकल नहीं था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो न्यू है ये न्यू मीन्स हो गया वर्ब, यानी कि वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये वाला जो पोर्शन है दैट द प्लान वॉज इम्प्रैक्टिकल, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है बाद वाला क्या है, अगर इसका क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, वी न्यू दैट द प्लान वॉज इम्प्रैक्टिकल। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन हम इसका जब बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉट डिड वी नो, हम क्या जानते थे, तो हम ये जानते थे कि जो प्लान था वो इम्प्रैक्टिकल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इस न्यू के लिए, यानी कि सारी की सारी बात इसके बाद स्टार्ट होती है। सब्जेक्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ब के बाद वाला पोर्शन। तो आई होप आपको मतलब ये इसमें डिफरेंस करने के लिए अगर कह दिया जाए तो आप आसानी से इजीली इसका डिफरेंस आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग पोर्शन से अगर स्टार्ट हो रहा है और वर्ब बाद में दे दी जा रही है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दिस इज द सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर उसके सेकेंड अगर अलग तरीके से आपसे पूछा जाए और उसमें ऑब्जेक्ट बाद में दिया हो तो आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो है पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। तो फ्रेंड्स, आप जितनी भी पढ़ाई करिए आप इतने सिस्टमेटिक वे में करिए जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे रिगार्डिंग ग्रामर स्पेशली। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद में इसके आगे के पार्ट्स भी आपको समझा देती हूँ। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं
टाइप नंबर थ्री के बारे में, दैट इज कॉल्ड द नाउन क्लॉज इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. ओके फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको. देखिए क्या लिखा है, आवर होप इज दैट ही विल इम्प्रूव इन ड्यू कोर्स. कोर्स माने होता है ड्यूरेशन, टाइमिंग के लिए बोला गया. ओके फ्रेंड्स, तो कहते हैं कि हमारी उम्मीद ये है कि वो जो है दिए हुए पर्टिकुलर समय में इम्प्रूव कर लेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो इज़ है इट इज़ अ वर्ब. ओके, एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी द कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन इज एक्चुअली फॉलोइंग द वर्ब. दिस कंप्लीट पोर्शन इज फॉलोइंग द वर्ब, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो या एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट हो, आप कुछ भी कह लीजिए. यहाँ पे एडजेक्टिव वाला मैं आपको अभी अलग समझाऊंगी, दूसरा वाला पोर्शन है इसका. ठीक है, तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलरली ये जो, अब हम इसमें कैसे, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन है या भाई ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नाउन क्लॉज, हम इसे कैसे समझेंगे. तो देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट. ठीक है फ्रेंड्स, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अ पोर्शन विच इज एडिंग द वैल्यू. ठीक है, टू द सेंटेंस. ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है. ठीक है, एक मीनिंग, एक सेंस ऐड कर रहा है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. और ये पर्टिकुलरली फॉलो किसको कर रहा है, इज को फॉलो कर रहा है, दैट इज वाई इसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपको फोर्थ वाला समझा देती हूँ. इसका है नाम नाउन क्लॉज इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव. यहाँ पर आपने वर्ब को देखा, वर्ब समझ में आ गया आपको. यहाँ पर आप एडजेक्टिव को देखिए, एडजेक्टिव का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है, जो क्वालिटी बताने वाले, क्वांटिटी बताने वाले, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं. ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो अब यहाँ पर इसको पूरा एग्जाम्पल पढ़ के समझाती हूँ. पहले आपको देखिए क्या लिखा है, वी आर सर्टेन दैट ही वुड पास. तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन हियर, सर्टेन मीन्स होता है श्योर. ठीक है, कॉन्फिडेंट, पूरा भरोसा होना. ठीक, तो कहते हैं कि हमें पूरा पक्का भरोसा है किस चीज़ पे, कि वो पास हो जाएगा. मीन्स टू से कि हमारी श्योरिटी. तो यहाँ पर सर्टेन इज द एडजेक्टिव, और ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है ये कॉम्प्लीमेंट है इसका. क्या है, दैट ही वुड पास. तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव. ये क्लॉज है पूरा, कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज. तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन है, और ये बेसिकली किसके लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको ये एड, किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये इस सर्टेन को फॉलो कर रहा है. तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्ड को जब आप अलग से मतलब समझेंगे, तो बेसिकली आप उसको एक लॉजिकल मीनिंग निकाल सकते हैं, और आप ये पता लगा सकते हैं कि ये नाउन का बेसिकली कौन सा वाला पार्ट है. फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, रिमेनिंग टू बचे हैं, उसको भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ. फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के जो हमारे क्लॉज होते हैं वो नाउन क्लॉज की तरीके से फंक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसके चार फंक्शंस हैं जो कि आपको मैं समझा देती हूँ. सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है हमारा इन एपोजिशन, तीसरा होता है फ्रेंड्स एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ वाला होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. दोनों को आप मतलब जब आपको कभी भी कोई भी चीज़ समझनी हो ना, तो आप आधा आधा उसको 50-50 कर दीजिए, और दोनों के डेफिनेशन को अच्छी तरीके से कैरी कर लीजिए माइंड में, आपको आसानी से चीज़ें समझ में हो जाएंगी. जैसे क्या लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखा है, द क्वेश्चन इज हु विल रिंग द बेल. सवाल ये है कि बेल को रिंग करेगा कौन. तो द ये क्वेश्चन इज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और रिमेनिंग वाला पोर्शन हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट. तो बन गया ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. चलिए अगले देखते हैं इन अपोजिशन. इन अपोजिशन को हम कैसे समझेंगे, देखिए जब कोई बहुत ज़्यादा लेंदी सेंटेंस होता है तो उसको हम कॉमा लगा के उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और फिर लेकिन वो पूरा एक ही फॉर्म में वर्क करेगा, एक ही फंक्शन के तरीके से काम करेगा. आप एग्जाम्पल के तरीके से समझिए इसको फ्रेंड्स. यहाँ पे क्या लिखा है कि माई क्वेश्चन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस हैज़ नॉट बीन आंसर्ड. मेरा सवाल कि इस लॉस के लिए जिम्मेदार कौन है, अभी तक जवाब इसका नहीं मिला है. तो मेरा सवाल, जवाब उसका नहीं दिया गया है, तो जो सवाल है वो है हमारा अपोजिटिव पोर्शन. ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको मैंने रेड में लिखा है. तो जो भी रेड इंक से लिखे गए हमारे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या जो क्लॉजेस हैं, ये स्पेशली जो है डिफाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइप को. ओके फ्रेंड्स, तीसरे वाले पे चलते हैं, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब आप देखिए एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट. इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ. ठीक है, तो अब देखिए आई वॉज नॉट श्योर
हुज फॉल्ट इट वॉज, मतलब मैं श्योर नहीं थी कि गलती किसकी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हु विल रिंग द बेल डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले सेंटेंस पे भी हुज फॉल्ट तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली डब्ल्यू एच क्लॉज का फंक्शन एज अ नाउन क्लॉज कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या लिखा है, आई वॉज नॉट श्योर हुज फॉल्ट इट वॉज, कि मैं श्योर नहीं थी कि गलती किसकी थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, वी वर नॉट अवेयर ऑफ वॉट दे वर डूइंग, हम अवेयर नहीं थे कि वो क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है कि वॉट दे वर डूइंग, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये इस प्रीपोजिशन का है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन है सेंटेंस के अंदर का, और ये रिस्पॉन्सिबल किसको कर रहा है, ऑफ को कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आप लोगों से और भी कहना चाहूँगी, देखिए कि मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि अभी रिसेंटली ये जो यूट्यूब है उसमें सारे कमेंट्स जो है वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स का रिस्पांस ना कर पा रही हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैम ने हमें रिस्पांस नहीं किया, एक्चुअली जो विजिबल होता है उसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करती हूँ कि मैं सभी को रिस्पांस करूँ, ठीक है। लेकिन जो कमेंट्स यहाँ पर विजिबल नहीं हो पाते हैं किसी तरीके से, यहाँ पर नहीं शो होते हैं, तो वो उनका आंसर मैं नहीं कर पाती, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आगे है कि जैसे जैसे मतलब मुझको जो भी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे उसमें पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस चीज़ के लिए मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, एक रिमेनिंग वाला पोर्शन हो गया उसको भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। लेट्स मूव ऑन। और अब हमारा इसमें रह गया है इफ़ या वेदर क्लॉज। तो देख लीजिए यहाँ पे इफ़ या वेदर क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज में किस तरीके से ये फंक्शन करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, आई आस्क्ड हिम इफ़ और वेदर ही कैन स्पीक फ्रेंच, मैंने उससे पूछा कि क्या वो फ्रेंच बोल सकता है कि क्या। तो ये यहाँ पे इफ़ और वेदर एक कंडीशन है, ठीक है। तो एक कंडीशनल क्लॉज भी आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर आप इसे इफ़ या वेदर क्लॉज के नाम से भी आप इसे बुला सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इफ़ क्लॉज के नाम से जाना जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आई डोंट नो इफ़ और वेदर ही हैज़ बीन अपॉइंटेड और नॉट, मतलब मुझे नहीं पता है कि वेदर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको भी हम एफ क्लॉज कहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरीके के आगे भी मैं आपको हेल्पफुल वीडियोज़ देती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग में, इसी तरीके से आप अपना कोऑपरेशन मेरे साथ बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।